पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ पहाड़ी लोग हैं। वे ज्यादातर अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में रहती हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का सबसे बड़ा अनुपात है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे 8 राज्यों वाला यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के लिए व्यापक रूप से विख्यात है। पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। विशेष रूप से यह भूमि 100 से अधिक आकर्षक जनजातियों का घर है और दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति और जातीयता है। आइए पूर्वोत्तर भारत की कुछ सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जीवित जनजातियों पर एक नजर डालें। गारो जनजाति, मेघालय। मेघालय की गारो हिल्स में रहने वाली कुल आबादी का एक तिहाई गारो है। यह दुनिया के कुछ बचे हुए मातृसत्तात्मक समाजों में से एक है, जहां बच्चे अपनी माँ से अपने कबीले की उपाधि लेते हैं। परिवार की सबसे छोटी बेटी को अपनी माँ से संपत्ति विरासत में मिलती है, जबकि बेटे युवावस्था में घर छोड़ देते हैं। वे लड़के नोकपांटे नामक कुंबारे छात्रावास में रहते हैं और वे विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर में रहते हैं। सुमी जनजाति, नागालैंड। प्रमुख जातीय समूहों में गिने जाने वाले सुमी नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले और दीमापुर जिले के हैं। ईसाई मिशनरियों के आने से पहले सुमी नागालैंड की शिकार करने वाली जनजातियों में से एक हुआ करती थी। उनमें से बहुत कम जीववाद का अभ्यास करते हैं। इस जनजाति के दो प्रमुख त्योहार हैं कुलुनी और आहुना। खासी जनजाति, मेघालय। खासी जनजाति पूर्वोत्तर में प्रमुख आदिवासी समुदाय है, जो मेघालय की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। खासी मुख्य रूप से खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं और मातृसत्तात्मक समाज का पालन करते हैं। इस जनजाति में महिलाएं सभी प्रमुख भूमिकाएं निभाती हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं को जनजाति में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है। देवरी जनजाति, असम और अरुणाचल प्रदेश। देवरी जनजाति मुख्य रूप से असम के शिवसागर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, तिनसुकिया जिलों और अरुणाचल के लोहित और चांगलांग जिलों में निवास करती है। वे मंगोलोइड के चीन तिब्बती परिवार से संबंधित हैं और पुराने समय में वे मंदिरों में पुजारी के रूप में सेवा करते थे। बोडो जनजाति, असम। बोडो जनजाति ज्यादातर असम से ताल्लुक रखती है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी प्रवास कर चुकी है। बोडो लोग भारत के इस हिस्से में चावल की खेती, चाय बागान और मुर्गी पालन के लिए जिम्मेदार हैं। बुनाई और रेशम कीट पालन भी बोडो की आजीविका का हिस्सा है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जबकि जुमाई चावल की शराब उनका घरेलू पेय है। भूटिया जनजाति, सिक्किम। भूटियास तिब्बत से सिक्किम चले गए और उत्तरी सिक्किम के लाचेन और लाचुंग क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ के लोग भूटिया बोलते हैं, जो तिब्बती भाषा की बोली है। यह जनजाति सबसे विकसित और शिक्षित लोगों में से एक के रूप में जानी जाती है। इस जनजाति की महिलाएं भारी शुद्ध सोने के आभूषण पहनने के लिए लोकप्रिय हैं। इनके घर भी काफी अनोखे होते हैं और ज्यादातर आयताकार आकार के होते हैं। इन्हें खिन कहा जाता है,
भेड़ और याक पालना इनके व्यवसाय का मुख्य स्रोत है। अपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर में सबसे विशिष्ट जनजातियों में से एक अपातानी जनजाति है। अपातानी अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में जीरो घाटी में रहते हैं और वे अपातानी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा बोलते हैं। उनकी गीली चावल की खेती और कृषि प्रणाली काफी प्रभावशाली है। वास्तव में यूनेस्को ने अपनी अत्यंत उच्च उत्पादकता और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के अद्वितीय तरीके के लिए अपातानी घाटी को एक विरासत स्थल के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। आप अपातानी महिलाओं को उनकी विशिष्ट नाक छिदवाने और गहनों से और पुरुषों को उनके टैटू से पहचानने में सक्षम होंगे। अंगामी जनजाति नागालैंड। यह नागालैंड का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है, लेकिन कई अंगमी मणिपुर में भी पाए जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चावल और अनाज की खेती उनके प्रमुख व्यवसायों में से एक है। इस जनजाति के पुरुष शॉल पहनते हैं, जबकि महिलाएं मेखला और रैपराउन स्कर्ट पहनती हैं। यह जनजाति अपने लकड़ी के शिल्प के लिए विख्यात है, जिसमें बेंत का फर्नीचर भी शामिल है। बांस के अंकुर वाला सुअर का मांस उनका मुख्य भोजन है। आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी आदि जनजाति पहाड़ियों से संबंधित हैं और उनका अपना गांव, कानून और परिषद है। यह जनजाति आगे कई उप जनजातियों में विभाजित है। इस जनजाति के पुरुष बेन, भालू और हिरण की खाल के हेलमेट पहनते हैं। यह सब उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिससे वे संबंधित हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी उम्र और वैवाहिक स्थिति के अनुसार कपड़े पहनती हैं। अविवाहित महिलाएं अपने पेटीकोट के नीचे 5 से 6 पीतल की प्लेटों से बने आभूषण को बिप पहनती हैं। यह जनजाति सुअर व अन्य जानवरों को फंसाने और शिकार करने में माहिर है।